हेलो दोस्तों, नमस्ते। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। क्या आज आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं? तो चलिए, आज की एनर्जी क्या है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। आपके पार्टनर आज आपसे बात करना चाहते हैं, तो देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहले यहां से देख लेती हूँ डियर, आज उनकी ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी क्या है, उनका मैसेज क्या है। डियर, पहले तो रीयूनियन निकली, लेकिन लूंगी नहीं डियर इसे जब तक ये कार्ड निकल कर नहीं आएगा, ठीक है। उनका मैसेज क्या है पहले देख लेती हूँ। जस्ट प्लीज गाइड करें, जस्ट प्लीज गाइड करें। आज उनका मैसेज क्या है आपके लिए, एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल्स दिव्य शक्ति गाइड करें, राधा रानी गाइड करें, कृष्ण गोविंद गाइड करें, माँ काली सेरा वाले, जय महाकाल, हर हर महादेव गाइड करें। वो कार्ड तो नहीं उठाऊंगी, ठीक है। याद किया दिल ने कहा हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम। पैशनेट एनर्जी है डियर, प्लीज टेक केयर ऑफ सेल्फ, आपका ध्यान रख रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज, ओवर थिंकिंग, फॉर एवर लव, आई विल लव यू फॉर एवर ड्रीम, सपने आपके देख रहे हैं। रीयूनियन हो रहा है डियर, आप लोग की रीयूनियन होने वाली है, ठीक है। सेवन चक्र का मेडिटेशन, बहुत लोग हीलिंग आप लोग कर रहे हो अपने में सेवन चक्र की, ठीक है। यू आर माई अदर हाफ, रीयूनियन होने वाली है डियर। कुछ लोग के पार्टनर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पेरेंट्स इश्यू, टॉक्सिक रिलेशनशिप, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपके पर्सन परेशान है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, आई मिस यू एवरी डे। तो देखिए डियर, आपके पार्टनर का जो मैसेज है, बहुत ये एक न्यू फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं, और ये लव इनको पता है, ये शायद इनको जो प्यार मिला आपसे बहुत ही यूनिक है, बहुत सपोर्ट किया है, और ये आपका ख्याल रखना चाहते हैं, और ये कहना चाहते हैं कि आप ज्यादा चिंता ना करें, ओवर थिंकिंग ना करें। अपने भी लाइफ में ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर्सन का मन विचलित है डियर, आपसे मिलने को तड़प रहे हैं। बहुत व्यूअर्स यहाँ सेवन चक्र का मेडिटेशन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपकी हीलिंग हो रही है, और आपके पार्टनर भी अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर को ड्रीम के थ्रू जो भी सपने दिख रहे हैं आपको लेकर, उन्हें मैसेज दिए जा रहे हैं, और ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको लेकर पैशनेट भी फील कर रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, और ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके लिए सब कुछ हो, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत व्यूअर्स के पार्टनर के लाइफ में जो परेशानियां चल रही है वो है टॉक्सिक रिलेशनशिप और पेरेंट्स इशू, ठीक है। यहाँ टॉक्सिक भी आ चुके हैं, पेरेंट्स इशू भी आ चुके हैं, जहां ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, मुझे लग रहा है इन बातों से ये नाराज है, उदास है, और ये बहुत दुखी है। लेकिन देखा जाए दिए टेम्परेंस की एनर्जी मुझे ड्रीम में दिखाई दे रही है कि ये सिचुएशन में जो भी ये बंधा हुआ फील कर रहे हैं। देखिए डियर, मुझे लग रहा है कि ड्रीम के थ्रू आप कुछ मैसेज दे रहे हो, डिवाइन मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन दुखी होते हुए भी आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और ये कहना चाह रहे हैं कि दूरियों की वजह थर्ड पार्टी यानी कि कॉम्प्रोमाइज ये कर रहे हैं, टॉक्सिक और पेरेंट्स इशू। कुछ के लिए पेरेंट्स है, कुछ लोग के लाइफ में, अगर आपके पर्सन किसी ऐसे से डील कर रहे जो टॉक्सिक है, ठीक है, वो कोई भी हो सकते हैं, आप ले लो जैसे लेना है, तो ये पर्सन वहां थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये परेशान है, ठीक है। और ये पर्सन आपको मैसेज दे रहे हैं कि अपने लाइफ से सिर्फ मैं कॉम्प्रोमाइज करना हूं, और इससे में ये बैलेंस चाह रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, और ये कहना चाहते हैं प्लीज टेक केयर ऑफ सेल्फ। और देखिए, इनको पता है ये अटूट बंधन है, अटूट प्यार है,
ये टूट नहीं सकता, इन्होंने भी फील कर दिया, क्योंकि इनको भी अब एहसास होता है डियर, भले ही एक पर्सन आपको एक्सप्रेस करे या ना करे, लेकिन परेशान होते हुए इस रिश्ते के बारे में काफी सोचते हैं, दर्द भी होता है तो आप ही को फील करते हैं, मेंटली फिजिकली देखा जाए तो ये पर्सन परेशान है और रीयूनियन चाह रहे हैं डियर, ठीक है, ये पर्सन रीयूनियन चाह रहे हैं, और देखिए पास्ट लाइफ कनेक्शन है उन्हें भी फील हो रहा है, तो आज बहुत व्यूवर्स आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है डियर ये पर्सन जो भी है ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये बहुत पार्टनर आपके पार्टनर है, कुछ व्यूवर्स आप मेडिटेशन कर रहे हो ना, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो 100% है कि आपके पार्टनर भी अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत के पार्टनर न्यू स्टार्ट करने वाले हैं इस रिश्ते में, ठीक है, और न्यू फ्रेश स्टार्ट हो रही है और रीयूनियन चाह रहे हैं, देखिए उनके पेरेंट्स माने या ना माने, लेकिन इनके दिल में इनके लाइफ में आपकी अहमियत है, रिस्पेक्ट है, वैल्यू है, इसलिए आपको कहना चाहते प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि आपका वो ध्यान रखना चाहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, उनको भी पता है कि आप सोते नहीं हो, लेट नाइट आप भी जागते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, अगर आप दोनों में बातचीत भी होती है डियर तो ये पर्सन आपके बारे में आपके व्यवहार से आपकी बातों से कुछ ना कुछ ये काफी फील करते हैं, ठीक है, देखिए कुछ भी हो डियर जी, ये बंदा या बंदी जो भी है ये सोच काफी रहे हैं, मुझे लगता है लेट नाइट भी ये पार्टनर आपसे बात करते हैं, कुछ लोग का मुझे दिख रहा है डियर, यहाँ पे जो मुझे एनर्जी है 10 ऑफ कप्स की, 4 ऑफ सोर्ड्स की, ये पर्सन देखा जाए अगर आप लोग में डिस्टेंस है, नो कम्युनिकेशन है, तो ये पर्सन आपके बारे में पास्ट के बारे में सोच रहे थे, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो ये अपनी फैमिली अपने बच्चे आपको याद कर रहे हैं कि बहुत अच्छी फैमिली थी, अगर आप अनमैरिड हो सिंगल तो ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, और लेट नाइट ये सोच रहे थे, ये लेट नाइट काफी सोच रहे थे, और कुछ व्यूअर्स आपसे भी बात कर रहे थे लेट नाइट, ये पर्सन पीड़ा में भी थे, दर्द में थे, मिस भी कर रहे थे, लेकिन ये पर्सन कुछ व्यूअर्स आपसे भी बात कर रहे थे, और कुछ के पार्टनर किसी और से आपके बारे में बात कर रहे थे, जो कि आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, तो आपके पार्टनर अगर आपसे बात कर रहे थे तो आपसे फैमिली के बारे में बात कर रहे थे, प्यार भरी बातें कर रहे थे, और हो सकता है अगर ये आपको वो एनर्जी नहीं फील कर रहे हैं तो ये अंदर से ये फील कर रहे थे, और कुछ के पार्टनर लेट नाइट किसी से बात भी कर रहे थे डियर, ठीक है, ये किसी से बातचीत भी कर रहे थे जो कि आपसे रिलेटेड था, आपके साथ फैमिली देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, मैरिज देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, लेकिन क्या करें, पेरेंट्स नहीं मान रहे, अगर ये मैरिड है तो मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो ये आपके बारे में काफी सोच रहे थे डियर, हो सकता है आप लोगों में डिस्टेंस हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, या कोई प्रॉब्लम्स हो आप दोनों के रिलेशनशिप में, या बीच में कोई टॉक्सिक लोग आ गए हो आप दोनों के रिश्ते में, तो यहाँ पे ये पर्सन आपके बारे में काफी सोच रहे थे, तो यहाँ देखिए 2-3 तरह की एनर्जी आ गई डियर, एक तो सिंगल की आई जो आपके बारे में सोच रहे थे और आपसे ही बातें कर रहे थे, और कुछ के पार्टनर ऐसे भी सोच रहे थे हस्बैंड वाइफ हो कि आप अलग हो तो मैं क्या करूं, दूसरी एनर्जी में है कि उनके पेरेंट्स नहीं माने, ये किसी और से बातें कर रहे थे आपके बारे में, देखिए 3 एनर्जी निकल कर आ रही है आपके बारे में, लेकिन तीनों एनर्जी में कि आपसे बेहद प्यार करते हैं और आपके साथ ही फ्यूचर फैमिली देख रहे हैं, ठीक है, तो ये काफी सोच रहे हैं बंदा या बंदी जो भी हो आपके बारे में, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं और किसी से बात भी कर रहे हैं, अगर हस्बैंड वाइफ हो तो फिर से एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, देखिए सोर्स तो बता रहा है फिर भी ये दुखी थे डियर, लेट नाइट दुखी तो थे, देखिए आपके बिना सुनी है नगरिया, देखिए डियर मुझे लग रहा है बहुत के पार्टनर घर से दूर हो चुके हैं, ठीक है, अब बहुत मिसिंग एनर्जी है, अगर थर्ड पार्टी से रिलेटेड है कोई टॉक्सिक लोग थे तो यहाँ पे लीगल इशू चल रहे हैं या लीगल इशू की धमकी दी जा रही है, लेकिन ये पर्सन ना चाहते हुए मजबूर है आपको डिवोर्स देने को, ठीक है, क्योंकि यहाँ जस्टिस की एनर्जी आई है, क्योंकि चाहकर भी ये आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, थर्ड पार्टी इशू है, और ये देखिए डियर बहुत के पार्टनर मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं, देखिए थर्ड पार्टी के साथ हैं बट इन्होंने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, ठीक है, हो सकता है काम के सिलसिले में ट्रांसफर कर लिया हो, अलग घर ले लिया हो, या फिर हो सकता है, मतलब मैं नहीं बोल पा रही हूं,
अगर ये अलग थर्ड पार्टी के साथ रह रहे थे डियर, आपके पार्टनर, तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया जो टॉक्सिक था या थी, अब ये अलग भी रह सकते हैं, या फिर इन्होंने सिटी चेंज कर लिया हो, या फिर उनसे दुनिया बना ली हो। कुछ थर्ड पार्टी के साथ ऐसा भी चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच, ठीक है। और इस वक्त ये पर्सन आपको मिस इसलिए कर रहे हैं कि ये इनकी जिंदगी बिल्कुल वीरान हो चुकी है, जैसे साधु संत की होती है वैसे आपके पार्टनर की हो चुकी है। कुछ भी सुख ये नहीं फील कर पा रहे हैं, ना ही वो पीस फील कर पा रहे हैं, और बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है डियर ये पर्सन अपने लाइफ में उलझ चुके हैं। थर्ड पार्टी इशू जरूर है, लेकिन थर्ड पार्टी इशू मुझे जो यहाँ दिखाई दे रही है डियर, लीगल इशू। तो ये पर्सन आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, ठीक है, ये पर्सन आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, उनकी ये एनर्जी है। आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, आज नहीं तो कल आपके साथ न्याय होगा। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर लीगल इश्यू का केस किया है, जहां आपके पार्टनर के ऊपर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, या फिर मैनिपुलेटिंग की वजह से, या फिर इनको बदनाम किया गया हो और इनके ऊपर लीगल इशू ठोक दिया गया हो, ठीक है। अगर ये पर्सन आपको डिवोर्स दे रहे हैं, लीगल इशू में आपको ये डाल रहे हैं, ठीक है, तो ये पर्सन खुश नहीं है, ये मजबूरी बस दे रहे हैं और ऐसे शो करते हैं जैसे आपसे नफरत है इन्हें। बट आप देख सकते हो ये कार्ड क्या कह रहा है, उनकी एनर्जी क्या कह रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है ना, आप दोनों के रिश्ते में बैठी है, ये मजबूर है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आपको वो भूल चुके हैं, वो चाहते हैं आपको आगे भी मदद करेंगे। कहने का मतलब पेज ऑफ पेंटिकल आप पर नजर है तो आपको भूल नहीं पाते हैं, करियर पर भी फोकस कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है फाइनेंस से रिलेटेड भी इनके ऊपर लीगल इशू चल रहा है, लोन वगैरह का, ठीक है। और ये पर्सन थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी कि थोड़ा बचपना है इस पर्सन में, थोड़ा सा स्मार्ट बनना होगा, थोड़ा सा आपके पर्सन में बचपना है, आप दोनों में एज गैप हो सकता है, तो ये आपकी मदद भी करना चाहते हैं डियर, ठीक है। लेकिन ये कंफ्यूज है क्या करें, क्योंकि आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं और आपको डिवोर्स भी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन वो दे रहे हैं क्योंकि कंफ्यूज है, काफी बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन चाह कर भी नहीं हो पा रहा है डियर, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके पर्सन के लाइफ में ऑप्शन है डियर, ठीक है। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के लाइफ में ऑप्शन है, ठीक है, ऐसा उन्हें फील हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है ना डियर, आपको ऐसा फील हो रहा है कि उनके लाइफ में ऑप्शन है, उन्हें लग रहा है कि आपके लाइफ में ऑप्शन है। देखिए बहुत उलझी हुई है अभी का एनर्जी में, बहुत उलझी हुई एनर्जी है और ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है डियर। अगर आपके लाइफ में कोई ऑप्शन है तो ये सोच रहे हैं कि आप उन्हें प्यार दोगे, इन्हें एक्सेप्ट करोगे, क्या इन्हें स्वीकार करोगे, तो ये बैलेंस करना चाहते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं कि अगर आपके लाइफ में कोई ऑप्शन रहा तो ये बिखर जाएंगे। अब शायद इनके लाइफ में कुछ रहा ही नहीं, ठीक है, तो एक नई शुरुआत ये जरूर चाह रहे हैं डियर, ऑफर करने की तो जरूर सोच रहे, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं, बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानबूझकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर डियर आप सोच रहे कि उनके लाइफ में ऑप्शन है, थर्ड पार्टी इशू है और मुझे न्याय चाहिए, ऐसा अगर आप फील कर रहे हो तो व्यूअर्स मैं यहां कहना चाहूंगी थोड़ा सा अपने सोच में, अपने विचार में थोड़ा बैलेंस लाइए, आपके साथ न्याय होगा, थोड़ा वक्त लगेगा डियर, लेकिन आपके साथ न्याय होगा, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं डियर, ठीक है। आप उनसे झूठ मत बोलो, ठीक है, ऐसा है वो कहना चाहते हैं, वो सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आप उनसे झूठ मत बोलो, जो भी है सच बोलो, ठीक है। और आप भी आप अपने पर्सन से भी यही कुछ सोचते हो कि जो भी बोलो सच बोलो, अगर आपको पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं तो आगे ये रिश्ता चलेगा, ये आप भी सोचते हो, क्योंकि आपको चाहिए जस्टिस, न्याय। तो ये पर्सन के ऑन ऑफ सिचुएशन से आप भी परेशान रहे हो, कुछ व्यूअर्स आप भी उनसे बातें छुपाते हो, ऐसा है यहाँ पे, जैसे वो छुपाते हैं अब आजकल आप भी छुपाते हो। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है, तो कुछ ना कुछ एक न्यू स्टार्ट दिख रहा है डियर। बहुत व्यूज आप लोग का लक सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कंफ्यूजन से निकलोगे बाबू तो सही रहेगा, नहीं तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हो, एट ऑफ कप्स की एनर्जी, तो फिर वही साइकिल रिपीट करती है जहां आप लोग अधूरापन फील करते हो। मुझे लगा ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पर्सन गुजर रहे हैं, ठीक है, और एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। आप लोग के रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में एक बैलेंस आ रहा है, ठीक है, लेकिन विश्वास करना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये अधूरे हैं, अकेले हैं, जहां ये अपने लाइफ में बहुत अकेले पड़ गए हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन, ये भी परेशान है, आप भी परेशान हो, लेकिन इस पर्सन के अंदर ऐसा कुछ फील हो रहा है डियर
कि अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आप क्लियर कर दो। लेकिन क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है व्यूअर्स, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, डेथ की एनर्जी। तो मुझे लग रहा है एक नई शुरुआत होने वाली आपके रिश्ते की। कॉल मैसेज आने वाला है डियर, ठीक है। कॉल मैसेज आने वाला है, एक नई शुरुआत, एक्शन होने वाला है। पैशनेट फील कर रहे हैं, एक नई शुरुआत रिलेशनशिप में, एक नई शुरुआत हो रही है। लेकिन अगर ये गिल्ट में थे तो गिल्ट से निकलना चाह रहे हैं, और मुझे लग रहा है ये आपसे माफी भी मांगेंगे डियर। प्यार का दर्द है मीठा मीठा, प्यारा प्यारा मीठा मीठा, प्यारा प्यारा। एक कार्ड और लूंगी डियर, ठीक है। कंफ्यूजन को दूर करेंगे। देखिए कहा ना, आप कुछ हो नहीं सकते हैं, हो ही नहीं सकता। कंफ्यूजन को दूर करेंगे, रीयूनियन के चांसेस हैं। और इनके साथ जो कुछ भी लोग कर रहा है डियर, आपके आप दोनों के साथ सारा चीज खत्म होगा, समझ गए। डेथ की एनर्जी आई। अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ बुरा नजर रखा था, आप ब्लैक मैजिक किया था, आपके ऊपर कोई आपको घात रहा, आपको धोखा दे रहा था, तो डियर उसका खात्मा होगा। आपके पार्टनर के ऊपर कुछ भी असर, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर भी कुछ किया जा रहा था डियर, ठीक है। लेकिन ये यहां से निकल रहे हैं, कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं और एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, प्यार ऑफर करने वाले हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर और आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ किया गया है डियर, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन से निकल रहे हैं, घबराइए नहीं, और एक नई शुरुआत हो रही है। अब देखिए क्लियर हो गया कार्ड, ठीक है। फैमिली प्रॉब्लम्स, देखो फैमिली प्रॉब्लम मैं नहीं लूंगी उस कार्ड को। तो यहां पे दिख रहा है कि एक नई शुरुआत होने वाली है। आपके पार्टनर ब्लॉकेज से, अगर आप दोनों के रिश्ते में जो भी ब्लैक मैजिक ब्लॉकेज जो भी था डियर, पेन दर्द सेपरेशन था, उसका एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। खुश हो जाइए, और एक कंफ्यूजन आपकी दूर होगी, आंखों से पट्टी हट रही है, क्लियरिटी दिख रही है, थर्ड पार्टी चाहे कोई भी हो, और एक नई शुरुआत हो रही है। बहुत व्यूअर्स आपकी तरफ कॉल मैसेज आने वाला है, ठीक है। सारे साइन के लोग हैं, सारे साइन आ चुके हैं, तो सारे साइन के लोग हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून और सोर्ट्स भी है, वॉन्ड्स भी है, और पेंटिकल्स भी है, सारे साइन है डियर, ठीक है। सारे साइन के खुश हो जाइए कि एक नई शुरुआत होने वाली है इस रिश्ते की, ठीक है। अब तक झूठ पर आपके रिश्ते चल रहे थे, झूठ, सच, फरेब, ब्लैक मैजिक जो भी आप लोग के रिश्ते में हो रहा था, आपके पार्टनर के आंखों से पट्टी हटने वाली है, वो सेपरेशन एंड होने वाला है। अब आप लोग के रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आपको बहुत प्यार करना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, जो भी सेपरेशन है, ओवर थिंकिंग है, अब उसका एंडिंग होता हुआ नजर आ रहा है, और आपके रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग, रियूनियन, एक नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है। खुश हो जाइए, ठीक है, खुश हो जाइए। मेजर अरकाना से भी कार्ड लेनी चाहिए डियर, उनका नेक्स्ट एक्शन, ठीक है, उनका नेक्स्ट एक्शन देख रही हो। रियूनियन तो हो रही है डियर, रिश्ते में बैलेंस आ रहा है। मैं ये कहना चाहूंगी कि फिर भी मैं आपको एक गाइडेंस दूंगी कि आप अपने बैलेंस को बैलेंस करना, ठीक है, कंफ्यूज्ड मत होना, ठीक है, क्योंकि डगर डगर पर देखिए ब्लॉकेज, निगेटिव लोग, निगेटिव थॉट्स, निगेटिव एनर्जियां रोकने की कोशिश करती है आप दोनों के रिश्ते में, और वही चीज बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल लेकर आती है, ठीक है। उनका नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ, जस्ट प्लीज गाइड करें उनका नेक्स्ट एक्शन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। नेक्स्ट एक्शन रीयूनियन डियर, टेम्परेंस की एनर्जी आ गई, शिव शक्ति, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं व्यूअर्स, डेविल का खात्मा होगा, मां शक्ति आपके साथ है, आपके रिश्ते के साथ है, आप दोनों रिलेशनशिप में एक बैलेंस आ रहा है, डेविल का खात्मा होने वाला है डियर, ठीक है। और आपके अंदर एक जो पावर है, जो मां शक्ति की, वो उसकी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि बहुत व्यूवर्स आप लोग सेवन चक्र का मेडिटेशन करो, जहां आपका थर्ड आई चक्र भी ओपन हो रहा है, क्राउन चक्र ओपन हो रहा है, मां शक्ति आपको सपोर्ट कर रही है, और दुश्मनों का, डेविल का खात्मा कर रही है, ठीक है। तो खुश हो जाइए, बहुत अच्छी एनर्जी है, आपके पार्टनर आपके तरफ बढ़ रहे हैं, हैप्पी हैप्पी हो जाइए। देखिए यहाँ भी व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस की एनर्जी, द फुल की एनर्जी, एक्शन की एनर्जी, और यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी, रियूनियन, शिव शक्ति, बैलेंस, और यहाँ लक सपोर्ट कर रहा है डियर। तो आपके पार्टनर सारे दर्द पीड़ा सेपरेशन से निकल रहे हैं, और एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट हो रही है। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी डियर। मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना हो तो मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है डियर। एक बात, अब्रॉड से हो या इंडिया से हो, ठीक है, अगर आप मेल करते हो सेशन लेने के लिए तो मुझे कमेंट करें, सॉरी डियर, आप ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए, और कहां से बिलोंग करते हो आप, अब्रॉड से हो, इंडिया से हो, वो हमेशा आप लिखना, ठीक है। मैं बार बार पहले बोलती थी, अब नहीं बोल रही हूं, लेकिन आप जहां से भी हो
प्लीज आप जब भी मेल करना डिटेल्स जरूर देना, ठीक है। बहुत सवाल या बहुत टाइम चला जाता है, और टाइम देखिए आपकी भी टाइम की अहमियत है, मेरी भी टाइम की अहमियत है, तो इतना आप याद रखिएगा। आपको सेल्फ हेल्प करना हो, कॉन्फिडेंस जगाना हो, या फिर आपको चाहिए कि आपको सपोर्ट करूं, मोटिवेट करूं, एनर्जी चेक कराना हो, फ्यूचर देखना हो, करियर देखना हो, या पास्ट लाइफ के बारे में जानना हो, कोई भी चीज आपकी इच्छा है कि मुझे जानने की जरूरत है, लाइफ में क्या कुछ करना है, कैसे आगे बढ़ूं, कहां आप कौन सा लाइफ में आपको न्यू बिगिनिंग करनी है, उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हो। अगर आप इच्छुक हो तो जरूर आप मुझसे मेडिटेशन की भी जानकारी ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। तो इच्छुक हो आप तो जरूर मुझसे गाइडेंस लीजिए, लेकिन मेरे गाइडेंस लोगे बाबू तभी लाइफ चेंज होंगे। मैं ये नहीं करूं, मेरे अगर वीडियो देख रहे हो, मुझसे सेशन ले रहे हो, मैं उनकी सबकी बात नहीं कर रही, मुझसे अगर आप सेशन ले रहे हो, ठीक है, मेरी वीडियो भी देख रहे हो, तो जो मैं गाइड करूंगी आपको वही करना होगा, ठीक है, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। बस मैंने गाइड किया और आप भटक गए तो आप भटकते रहोगे, तो मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, मेरी गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो लाइफ चेंज करेंगे, ठीक है। माँ शक्ति आपके सामने, आप देख रहे हो डेवल का खात्मा कैसे होता है, तो इसी प्रकार मैं बोल रही हूँ आपको कि आपके अंदर जो कुछ भी है परिवर्तन लाना है तो सोच समझ लीजिए और खुद को बैलेंस कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। और यहाँ पे मुझसे गाइडेंस लेनी हो तो मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि सेल्फ लव भी जरूरी है, हीलिंग भी जरूरी है, लाइफ में आगे बढ़ना भी जरूरी है, कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी जीना चाहिए, जिंदगी को पूरी तरह निचोड़ कर बर्बाद नहीं करना चाहिए, अपनी पावर में भी आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए अगर जो व्यूअर्स आपको लग रहा है कि आपको मुझसे गाइडेंस लेनी है तो जरूर लीजिए और पूरी तरह लीजिए और मेरे गाइडेंस को फॉलो कीजिए, क्योंकि कभी कभी आप काफी लंबे समय तक मायूस रह जाते हो, ना करियर को देख पाते हो, ना अपनी लाइफ को जी पाते हो, ना ही उस इंसान के पूरी लाइफ यूं ही बर्बाद कर देते हो। तो आप सही जान लो कि आपके लाइफ में सही पार्टनर है, या फिर आप कार्मिक से डील कर रहे हो, या आपकी सोलमेट है, या आपके ट्विन है, आप एनर्जी चेक करा सकते हो, ठीक है। तो एक नई शुरुआत हो रही है, माँ शक्ति आपके साथ है, डेथ की एनर्जी आ गई, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू शुरुआत हो रही है, न्याय और जस्टिस आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। डियर गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।